हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब के बारे में। आज हम बात करेंगे आज की वीडियो में आर्मी में जो ड्राइवर होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आर्मी में ड्राइवर बनने के लिए, कितनी एज में वो अप्लाई कर सकते हैं और क्या उसमें सैलरी होती है और क्या काम होता है ड्राइवर का आर्मी में। तो सभी बातों पर डिटेल से बात करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मलिक में। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नाम आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आप आर्मी में ड्राइवर बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे काफी भाई ऐसे होते हैं जिनका ड्राइव करने में काफी इंटरेस्ट होता है और वो बहुत जल्दी ड्राइविंग सीख भी जाते हैं। कुछ लोगों के ज्यादा अपेक्षा वो जल्दी ड्राइविंग सीख जाते हैं, तो उनका मन होता है कि हम ड्राइविंग करें। और ड्राइविंग भी अगर हम गवर्नमेंट क्षेत्र में करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक तो सैलरी मिलेगी, एक अच्छी जगह पे हम जॉब करेंगे, दोनों ही काम हमारे हो जाएंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है ड्राइविंग में, तो क्यों ना ड्राइविंग एक अच्छी जगह पे की जाए, जिससे हमारी इनकम भी हो और हमें जॉब भी एक अच्छी मिले। तो दोस्तों, इससे अच्छा है कि आप फिर वो गवर्नमेंट में इसके लिए ऑप्शन ढूंढें। एक गवर्नमेंट में आर्मी में बहुत अच्छा ऑप्शन है ड्राइविंग के लिए। तो अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि ड्राइविंग में क्या काम होता है एक ड्राइवर का। जैसे कि मानते हैं कि आर्मी में तो बस वहां पे सोल्जर वगैरह की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है, वहां पे ड्राइवर की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि कई बार होता है कि हमें कुछ सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो उसमें ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है, या हमें काफी जो सेना में यूज होते हैं इक्विपमेंट्स, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो काफी काम होते हैं इस तरीके से, क्योंकि वहां पे भी जो वाहन होते हैं उनको चलाने के लिए ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे भी इस तरीके से वैकेंसियां होती हैं और उनकी भी वैकेंसी निकलती है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब यहीं पे बात कर लेते हैं कि अगर आप ड्राइवर में ज्वाइन करना चाहते हैं आर्मी में, तो क्या आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दोस्तों, आपने यहाँ पे अपना 10th जो है वो क्लियर कर लिया हो, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं पे बात अभी कर लेते हैं कि एज इसमें क्या होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपने 17 साल और 6 महीने जो है अपने अगर कंप्लीट कर लिए तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर अपने 17.5 साल एज जो है आपकी कंप्लीट हो गई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 23 साल तक, यानी कि 23 ईयर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें आपका, अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको कुछ टाइम की छूट मिल जाएगी, और अगर आप OBC में आते हैं तो भी आपको इसमें छूट का प्रावधान है इन तीनों कैटेगरी के लिए। तो अब यहीं पे बात कर लेते हैं कि इसमें जैसे कि हमारे शरीर का जो मापदंड है, शारीरिक मापदंड जो है, वो क्या क्या होना चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर इसके लिए होनी चाहिए। आपका वेट जो है, बॉडी का वेट जो है वो 50 किलो यानी कि 50 kg कम से कम होना चाहिए। और वहीं पे आपका जो चेस्ट है वो आपकी 77 इंच होनी चाहिए, और फुलाने के बाद वो 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरीके से आपका इसमें शरीर का मापदंड होता है। और बाकी इसमें ये भी है कि किन किन डॉक्यूमेंट्सों की हमें इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, इसमें आपके पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, आपके शिक्षा से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है वो आपके पास होने चाहिए, और इसमें आपका डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र इसमें होना चाहिए। जैसे कि आप SC ST या OBC से आते हैं तो उसके लिए फिर आपका जाति प्रमाण पत्र इसमें चाहिए। धर्म से संबंधित इसमें आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, विद्यालय यानी कि जो आपका स्कूल है उससे आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपका अविवाहित जो है प्रमाण पत्र इसमें आपका होना चाहिए। तो इस तरीके के जो है वो डॉक्यूमेंट्स की इसमें आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप किस तरीके से इसके एग्जाम वगैरह या किस तरीके से आप इसको क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपका इसमें फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपको जैसे कि रनिंग है आपकी, वो इसमें कंप्लीट करनी होगी। आपको इसमें चिनअप्स हैं, वो आपको इसमें कंप्लीट करनी होगी। जिस तरीके से इसका फिजिकल है वो आपको इसमें पास करना होगा। उसके बाद इसमें आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल में आपका जैसे कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो इसके में आपके चेक होंगे। उसके बाद इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसको अगर आप रिटन एग्जाम को इसमें क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब यहीं पे हम बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि इसमें सैलरी जो है वो क्या होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें सैलरी जो है, अगर जैसे आप ड्राइवर में एज ए ड्राइवर आर्मी में ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपकी सैलरी जो है 24,000 से लेके और 25-26,000 के आसपास जो आपकी सैलरी होती है। आई होप दोस्तों, आपको पूरी जानकारी जो है वो ड्राइवर आर्मी में कैसे ज्वाइन करें इसके बारे में मिल गई होगी। अब अगर अभी भी आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी की और जो जानकारी है, कोई छूट गई है, वो आप मुझसे वहां पे ले सकते हैं, या
आप किस राज्य से आते हैं, किस तरीके से, वो उस हिसाब से भी आप वो वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो अब आर्मी में एज ए ड्राइवर जाना चाहते हैं या जिनको ड्राइविंग का अच्छा शौक है और वो कोई अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तो उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।